हैं क्योंकि अच्छे अच्छे काम करेगा, चमत्कार करेगा, वो अलग बात हुई। पर हाँ, उसके पीछे अगर उसके ढकोसलेबाजी अगर ऐसे ऐसे पीछे से फसाद होती है तो वो थोड़ा माना जाएगा। ऐसे तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। गीता एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिए गए उपदेश का वर्णन है, और जो भारत में एक बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी के द्वारा हिंदुत्व में 33 कोटि देवी देवताओं में से सबसे प्रसिद्ध एक देवता कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन हमें गीता में मिलता है। कृष्ण के जीवन के विषय में यदि हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि कृष्ण के द्वारा बचपन में की गई माखन चोरी, उसके बाद अपनी माता यशोदा से झूठ बोलना कि मैंने माखन नहीं खाया, इसके विषय में कई गीत प्रचलित हैं जो गाए और भक्ति में इस्तेमाल किए जाते हैं। बचपन में अपनी माता से झूठ बोलना कि मैंने माखन नहीं खाया, मक्खन चुराना, उसको खाना, और उसके बाद युवावस्था में गोपियों के साथ रासलीला, गोपियों को निर्वस्त्र तालाब में नहाते हुए देखना, राधा के साथ की गई रासलीला, और उसके बाद सबसे प्रचलित महाभारत का युद्ध जिसमें कौरव और पांडव जो कि आपस में भाई थे इनके बीच में युद्ध होता है और हजारों लाखों निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं। तो अगर इनको हम समराइज़ करें तो बचपन में चोरी, उसके बाद झूठ बोलना, और उसके बाद गोपियों के साथ व्यभिचार, और उसके बाद मास मर्डर यानी के महाभारत का युद्ध जो कि टाला जा सकता था अगर कृष्ण सही उपदेश और सही शिक्षा देते तो। तो क्या सवाल ये है कि ऐसे चरित्र के गुण वाले एक व्यक्ति को ईश्वर माना जा सकता है, और उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? यह हमने जानने की कोशिश की कुछ साधारण लोगों से। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में रहने वाला। देवभूमि उत्तराखंड? देवभूमि, हाँ। ओके, ईश्वर में आस्था रखते हो? हाँ, थोड़ी थोड़ी रख लेते हैं। मंदिर जाते हो? हाँ, जाता हूँ मंदिर तो। ओके, तो एक सवाल है आपसे कि समझो एक व्यक्ति अगर आपके पास आता है, आपको एक व्यक्ति का पता चलता है जो अपने आप को ईश्वर का अवतार कहता है, तो क्या आप उसको मान लोगे ईश्वर का अवतार उसके बोलने से? नहीं, किसी के बोलने से क्यों मानूंगा। ओके, और अगर वो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है, ज्ञान की बातें सिखाता है और ऐसे अद्भुत काम करता है जिनको देख के यकीन करना मुश्किल हो, तब क्या उसे ईश्वर का अवतार मान लोगे? शायद हाँ। ओके, अब यही व्यक्ति जो ईश्वर का अवतार अपने आप को बताता है और जो अद्भुत काम करता है, यही व्यक्ति अगर आपको पता चले कि ये व्यक्ति जो है व्यभिचार में फंसा हुआ है और गलत काम करता है और भाइयों को लड़ाता है, दंगे फसाद करवाता है और हत्या में भी शामिल है, एक से ज़्यादा हत्याओं में जिसका हाथ है, और ऐसा व्यक्ति अगर फिर ये व्यक्ति इसके चमत्कार हैं जो इसके ज्ञान की बातें हैं ये सब सिखाने के बाद भी क्या आप ऐसे व्यक्ति के जिसका चरित्र इस तरीके का है तब भी क्या आप उसे ईश्वर का अवतार मानोगे? नहीं, ऐसे क्यों मानूंगा? क्यों? क्योंकि उसका चरित्र ही ऐसा बेकार खुद ही बना दिया उसने, पहले अपने आप को पहले भगवान कह रहा है, उसके बाद ही अपने को ख़राब करेगा ना वो। ऐसे में तो अब दूसरी स्त्रियों के साथ कोई संबंध कैसे रख सकता है? लेकिन उसने बहुत सारे चमत्कार किए हैं और तो आजकल हर कोई कर सकता है चमत्कार, कैसे को थोड़ा बात होती है, पर उसके कारनामे भी तो देखो बाद पीछे। अच्छा, तो अगर 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 उसके उसका चरित्र अच्छा नहीं है, अगर उसके काम खराब हैं, तो इन इन उसके खराब चरित्र की वजह से, उसके गलत कामों की वजह से, चाहे उसने जितने मर्जी बड़े चमत्कार किए हों, जितनी मर्जी ज्ञान की बातें सिखाई हों, तो आप उसको ईश्वर का अवतार नहीं मानोगे? काम के पीछे मान सकते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे काम करेगा, चमत्कार करेगा, वो अलग बात हुई। पर हाँ, उसके पीछे अगर उसके ढकोसलेबाजी अगर ऐसे ऐसे पीछे से फसाद होती है तो वो थोड़ा माना जाएगा। फिर आप उसे ईश्वर का अवतार नहीं मानोगे? नहीं। आकाश? आकाश। अमरजीत? अमरजीत। विशाल? हूँ। या वो ये कहता है कि मैं ईश्वर का अवतार होके आया हूँ, तो क्या आप उसकी बात मान लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। नहीं, बिल्कुल में कि जब उसने बहुत अद्भुत काम किए हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें दिखा रहा है, तब क्या आप उसके ईश्वर होने के दावे को स्वीकार कर लोगे?
सकते हैं? हाँ मान सकते हैं। अफवाहों में लिप्त है और झूठ बोलता है और भाइयों को आपस में लड़ाता है, ऐसा व्यक्ति तो केस होना चाहिए। अच्छा नहीं है ऐसा व्यक्ति। अच्छा नहीं है तो नहीं। बाबा वाली बात है, अच्छा झूठ है। हाँ नाटक करता सिर्फ, नाटक ढोंगी बाबा कहलाएंगे ऐसे तो। अपनी क्या बोलते हैं मेजोरिटी पाने के लिए उसने सब ढोंग किया था, पावर, सारी पावर लेने के लिए। अगर उस व्यक्ति के लाखों करोड़ों फॉलोअर हों तो वो उन सब फॉलोअर्स को आप क्या बोलोगे? उनको तो कुछ नहीं किया जा सकता, उनने तो भरोसा किया था सिर्फ उसके ऊपर। तो उनको उनको आप क्या सलाह दोगे? छोड़ दो, छोड़ दो और क्या, क्योंकि जब काम दिख गया उसके कैसे कर रहा है वो काम, ऐसे ऐसे काम कर रहा है। आपकी क्या ऐसे तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो कि ऐसे चमत्कार कर रहा है और बड़े बड़े काम कर रहा है और ज्ञान की बातें सिखा रहा है, अगर आपको पता लगे कि वो व्यक्ति जो है व्यभिचारी है, उसके लड़कियों के साथ गलत संबंध है और वो चोरी में लिप्त है और लड़ाई झगड़े में लिप्त है, हत्याएं करवाता है, मतलब आपके हिसाब से वो व्यक्ति ईश्वर है या ईश्वरीय गुण है या कुछ अच्छे गुण है उसमें, या वो एक ठग है? ठग है वो, शैतान है। राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, शर्मा यानी पंडित। पंडित ओके। तो ईश्वर में आस्था रखते हो आप? हाँ बिल्कुल, पूरी आस्था है पूरी। चलो एक सवाल है आपसे, ऐसे चमत्कार समझो कि बीमारों को अच्छा कर देना और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ उठा देना, इस तरह की अगर वो अद्भुत चमत्कार काम करता है तब क्या आप उसको मानोगे ईश्वर का अवतार? ईश्वर का अवतार तो नहीं मानूंगा, हाँ ये कि ईश्वर के द्वारा उसे कुछ अलग कुछ नायाब चीज़ें है जो कुदरत, मतलब कह सकते हैं भगवान की देन है और दूसरों के भला करने के लिए उसको दी गई है। अगर तो वो अपने आप को भगवान का अवतार कह रहा है फिर वो व्यभिचारी नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हो कि एक तरफ तो वो इतना सही है दूसरी तरफ वो ऐसे काम करता है, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो पूरी तरीके से गलत है या पूरी तरीके से सही होगा। अगर गलत कर रहा है इट मीन्स अब उसको, मतलब वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगा है और वो अपने अंत के करीब है। तो आपने देखा कि ये बहुत ही कॉमन एक राय है लोगों की कि जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के चरित्र में झूठ, चोरी, व्यभिचार, हत्या, इस तरह की बातें हों, वो व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े काम क्यों ना करे, कितने ही बड़े चमत्कार क्यों ना करे और कितनी ही ज्ञान की बातें क्यों ना बताए, उस व्यक्ति को सच्चा नहीं माना जा सकता और उस व्यक्ति के जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, उनको उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो एक ढोंगी है, एक पाखंडी है। ऐसे एक ईश्वर के अनुयायी होकर, ऐसे व्यक्ति के भक्त होकर और उनके उपदेशों को मानकर क्या वाकई आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं? आज यदि आपका छोटा बच्चा घर में कोई खाने की चीज़ चुराता है तो क्या आप उसे शाबाशी देते हैं ये कहकर कि आप अपने ईश्वर का अनुसरण कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को जो है निभा रहे हैं? नहीं, आप उसी वक्त अपने बच्चे को डांटते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि छोटी छोटी चोरी की आदतें बड़े होकर बड़ी चोरी को अंजाम दे सकती हैं और आपका बच्चा बड़ा होकर एक चोर बन सकता है। तो चोरी किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से नैतिक नहीं, सही नहीं, और ख़ास तौर पर जब ये एक ईश्वर के द्वारा की जाए जो कि अंतर्यामी है, जो कि सब कुछ जानता है और जिसे पता है कि उसके द्वारा किए गए काम, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो युवावस्था में, वो आगे जाकर हज़ारों जेनरेशन्स को आदर्श बनेंगे, हज़ारों जेनरेशन्स के लिए एक आदर्श बनेंगे। व्यभिचार युवावस्था में किया गया कार्य जो कि कृष्ण ने किया, अगर आपके बच्चे युवावस्था में इस तरह की हरकतें करें, स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध रखें, उनको तालाब में नहाते हुए देखें और उनको निर्वस्त्र करके देखने में उनको आनंद आता हो, तो क्या आप अपने युवा बच्चों के द्वारा की गई इस हरकत की प्रशंसा करेंगे या उनको डांटेंगे और उसको सही मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल आप सही मार्ग पर लाने की कोशिश करें, उनको डांटेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये गलत है, हर एक तरह से गलत है। लेकिन जहाँ जब ये बात ईश्वर पर आती है तो हम इसको गलत नहीं, इसको सही ठहराते हैं और इसके ऊपर गीत बना के गाते हैं। महाभारत का युद्ध जिसमें कौरव और पांडव जो कि आपस में भाई थे वो आपस में लड़े और उनके अलावा लाखों करोड़ों सैनिक लड़े जो कि निर्दोष थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन कौरव पांडव और भाइयों के मौत के साथ साथ उन लाखों करोड़ों सैनिकों की भी मृत्यु हुई, जिस मृत्यु को, जिस नरसंहार को रोका जा सकता था अगर कृष्ण इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ने की बजाय उनकी आपस में संधि करवाते और उनको आपस में प्रेम और भाईचारा सिखाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई और विलाप फैला। धर्म की स्थापना के लिए अगर अपनों की भी हत्या करनी पड़े तो उससे पीछे मत हटो। वर्तमान समय में अगर किसी का भाई या किसी का कोई अपना प्रियजन बिगड़ जाए या गलत रास्ते पर चल पड़े
तो क्या उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं? क्या हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इसको सही मार्ग पर रखो, या हम उसकी हत्या करते हैं और ये बोलते हैं कि ईश्वर ये बिगड़ गया, इसे मार दो? किसी भी तरह से सही नहीं है। गलत शिक्षाएँ, गलत टीचिंग्स जो कि कृष्ण के द्वारा गीता में दी गई। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह के चरित्र में कोई एक रत्ती भर भी गलती या कमी नहीं ढूंढ सकता, लेकिन इसके बावजूद भी हम यीशु मसीह को और उनके द्वारा बताए गए स्वर्ग के मार्ग को हम नकारते हैं। और अगर कोई यीशु मसीह के बारे में हमसे बात करे तो हम उससे नफरत करते हैं। और कई बार देखा गया है कि यीशु मसीह के लोगों को, यीशु मसीह का प्रचार करने वाले लोगों की हत्या भी कर दी गई है। ऐसा क्यों? क्या यीशु मसीह के चरित्र में कोई कमी है? क्या यीशु मसीह के जीवन में और शिक्षाओं में कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। और यीशु मसीह का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, एक ईश्वर का जो कि दावा करे कि वो स्वर्ग का मार्ग दिखाता है। यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चे प्रभु हैं, और यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं। बाइबल को आप पढ़ें, जब बाइबल आप पढ़ेंगे तब आपको यीशु मसीह के असली चरित्र का पता चलेगा। और आप यीशु मसीह की तुलना किसी भी हिंदू ईश्वर से करें या किसी भी अन्य ईश्वर से करें तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा प्रभु है, और यीशु मसीह ही एक आदर्श प्रभु है, और यीशु मसीह के गुण और चरित्र एक आदर्श चरित्र हैं जो एक सच्चे ईश्वर में होने चाहिए। यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो ईसाई धर्म का प्रभु नहीं, समस्त मानव जाति का उद्धार करता है, और यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो अगर आप वाकई में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं और अनंत काल के नरक से बचना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू।